चलो स्टीम दे दो फिर। कैसे हम सब लोग, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पर हम अच्छे नहीं हैं। हमारी लाइफ में हर किसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, कोई यंग या फिर कोई बुज़ुर्ग ही क्यों ना हो। इनमें से अगर किसी की भी एक मेंबर की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। जहाँ कोई स्पेशल डिश बनने वाली होती है वहीं उसकी जगह ले लेती है खिचड़ी। और यही कुछ हुआ मेरे यहाँ भी। पाखी की थी तबीयत ख़राब तो मैंने मॉर्निंग में उसको दे दिया था पोहा बनाकर, पर स्कूल जाना भी इम्पॉर्टेंट था बिकॉज स्कूल में था उसका यूनिट टेस्ट। और अभी मैं पाखी को छोड़ के आ गई हूँ फटाफट किचन में। होता क्या है, जैसे वायरल हो जाता है या कोल्ड कफ वगैरह हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके घर में कोई और मेम्बर हो उसको भी वो प्रॉब्लम आ ही जाती है। हस्बैंड को यहाँ पे चाहिए थी ब्लैक कॉफी, वो चाय पीना इतना पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ मैं उन्हें वही बनाकर दे रही हूँ। और मैं अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पे मेरी दिन की एक कप चाय, जो मुझे हमेशा की तरह चाहिए ही होती है। शायद ये मेरी हैबिट बन गई है पर मैं इसे पीना नहीं भूल सकती। पाखी की तबीयत ख़राब थी उसकी वजह से ना मुझे भी थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, तो मैंने यहाँ पे ट्राई करे थे ये 50-50 के कुछ नए बिस्किट आए हैं। हाँ, थोड़ा गार्लिक टाइप का चीज़ी टेस्ट लगता है। और अभी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से कुछ 5, 5:30, 6 बजे का। एक्चुअली पाखी को मैं स्कूल से आके सुलाती ज़रूर हूँ। बच्चों को ना बिल्कुल भी एकदम पढ़ने नहीं बिठाना चाहिए। आप खुद सोचिए, कोई बच्चा अगर मॉर्निंग में 5, 5:30 का उठा हुआ है तो वह एकदम से स्कूल से अगर 3, 3:30 आता भी है तो वह कैसे पढ़ेगा, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो बच्चे जब भी स्कूल से आएँ प्लीज़ उन्हें एक नैप ज़रूर दीजिए। क्या हुआ? नाक थोड़ी वेश या कान बंद बंद सी हो रहे। चलो स्टीम दे दूं फिर। 6:30 हो गए बेटा, कल हिंदी का टेस्ट भी है ना। घर में अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो बिल्कुल घर का ना एकदम से मूड ऑफ हो जाता है, तो वही कुछ हो गया था। लेकिन टचवुड, जो मैं मेडिसिन पाखी के लिए लाई थी वो असर इस पर कर गई थी। और पाखी को कुछ प्रिंटआउट स्कूल में सबमिट करना था, जो उसको ना कैनवा पे कुछ बनाना था, तो वही मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था। अच्छा, अगर बच्चे ने ऑलरेडी एडवांस में एग्ज़ाम की तैयारी कर रखी होती है ना तो इतनी कोई टेंशन नहीं होती है। जैसे मैंने पाखी को, जो अभी यूनिट टेस्ट चल रहे हैं वो मैंने एडवांस में समर वेकेशन में इसको तैयारी कर ली थी। तो एक पढ़ाई का ना सबसे बड़ा गोल्डन रूल यही होता है कि आप डेली बेसिस पे जो भी टॉपिक होते हैं या स्कूल में जो भी कुछ एक्सरसाइज या जो भी कुछ करवाते हैं आप वो डेली बेसिस पे बच्चे को याद करवा दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यकीन मानिए, पाखी 6th स्टैंडर्ड में है, मैंने अभी तक उसका ट्यूशन नहीं लगवाया है, वो सेल्फ स्टडी ही करती है और पूरी उसकी जो गाइडेंस मैं कर देती हूँ एग्जाम्स में और उसकी स्टडीज़ में। और ये थी मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग पाखी थोड़ी सी चिड़चिड़ी इरिटेट हो रही थी बिकॉज उसकी ना बिल्कुल नोज़ जो थी बिल्कुल एकदम नाक ब्लॉक थी। और इसको लेके जाना था पास्ता, बिल्कुल उसमें मिर्च मसाले से कुछ नहीं चाहिए था, जस्ट बिल्कुल प्लेन सॉल्टेड। अच्छा, जब कभी भी तबीयत ख़राब होती है, स्पेशली मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जब भी कभी ऐसे कोल्ड कफ या कुछ गले में प्रॉब्लम होती है ना तो मन करता है ना कुछ क्रीमी क्रीमी सा, ऐसा कुछ चीज़ सा खाओ, तो मैंने वही आज बनाया था। वैसे तो आपने यूट्यूब पर कई वीडियो देखे होंगे व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के, और मेरे ख्याल से बहुत लोग ये चीज़ बनाते भी हैं। वो क्या होता है ना कि आप बटर में मैदा डाल लीजिए और फिर दूध डाल के उसे अच्छे से विस्क करिए, फेटिए और वो एकदम क्रीम सा बन जाता है। पर मेरा मानना ये है, अगर किसी भी घर की बनी हुई चीज़ में मैदा डालना ही है तो उसे घर में बनाने का फ़ायदा क्या। तो मैं जो व्हाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ उसमें जो व्हाइट सॉस होता है वो बनाने का मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। एक पैन में मैं बटर ले लेती हूँ, अमूल बटर या कोई सा भी बटर आप ले सकते हैं। उसमें आपके पास जौन सा भी दूध हो, चाहे वो फुल क्रीम हो, बफेलो मिल्क हो, काओ मिल्क हो, कोई सा भी हो या टोनी क्यों ना हो, वो आप इसमें डाल लीजिए। मैंने ये करीब 1/2 पौना कप के करीब इसमें डाल लिया है, सॉरी 1/2 पौना गिलास मैंने इसमें डाल लिया था। 1 या 2 बॉयल आने दीजिए और जो घर की फ्रेश मलाई होती है ना उसको आप अच्छे से फेंट लीजिए।
दीजिए, और जब आप इसमें डालेंगे ना एकदम ये गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है। लगभग 4 या 5 मिनट तक आप इसे अच्छे से सिम या मीडियम आंच पे अच्छे से पकने दीजिए। जैसे होता है ना, हम कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं, मशरूम बनाते हैं या मटर पनीर बनाते हैं या शाही पनीर बनाते हैं, तो उसमें भी हम घर की फ्रेश मलाई ही यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से आप इसमें भी ये चीज़ यूज़ करिए। और यहाँ पे पास्ता मैंने ऑलरेडी रेडी करके रख लिया था, इसमें मैंने कुछ नहीं ऐड करा था, सिर्फ रॉक सॉल्ट डाला था और साथ में मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा ना केचप, टमाटो केचप, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और बस ये जो मैंने सॉस बनाया था मैंने इसमें डाल दिया। इसे थोड़ी देर आप अच्छे तक मिलाइए, तो आप खुद देखना 2 से 3 मिनट में ना इसका जो टेक्स्चर है बहुत ही क्रीमी क्रीमी सा हो जाता है। और आप खुद देख लो अभी इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी हो गया है, जैसे वो होता है ना आप दाल मखनी बनाते हैं या शाही पनीर बनाते हैं, उसके बाद आप क्रीम अच्छे से उसमें थोड़ा सा रहने दीजिए, 2-4 मिनट तक पकाइए, तो एकदम उसका भी टेक्सचर क्रीमी और गाढ़ा हो जाता है, ये वैसे ही हो जाता है। और इसके बाद मैंने इसमें क्या किया था, आप चाहो तो आप कोई सी भी सीजनिंग या हर्ब इसमें डाल सकते हो, मैंने सिर्फ ऑर्गेनो ही यूज़ करा था, बिकॉज पाकी के गले में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने सिर्फ ऑर्गेनो डाला था ताकि थोड़ा सा ना कुछ आ जाए। वैसे जब भी मैं रेगुलर यूज पे या रेगुलर बेसिस पे जब भी मैं पास्ता या मैक्रोनी कुछ भी बनाती हूँ ना, तो मैं ये मैगी का मैजिक मसाला जरूर डालती हूँ, आप एक बार इसे ट्राई करना। इसका जो बिल्कुल टेस्ट होता है ना एकदम पास्ता मैक्रोनी का, बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल ना, एकदम चेंज हो जाता है, ये इतना यमी लगता है, आप प्लीज ये जरूर ट्राई करिए, ये तो बिल्कुल ही एकदम इतना डिलीशियस लगता है। बट यहाँ पे मैंने कुछ नहीं डाला था, हाँ मैंने यहाँ पे ना एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन करा था। मैं क्या करती हूँ, जब भी ऐसी कोई क्रीमी चीज़ी चीज़ बनती है ना, उसमें चीज़ स्लाइस होते हैं ये ऐड कर देती हूँ। आप चाहो तो मोज़रेला भी कर सकते हो, बट मोज़रेला चीज़ जो होता है वो मुझे इतना हेल्दी ऑप्शन नहीं लगता, मैं चीज़ स्लाइस डाल देती हूँ कोई सी भी ब्रांड का और इसे ढक देती हूँ। आप खुद देखना 1 से 2 मिनट बाद ना आप ये खुद देखो, ये जो मेल्ट होता है ना, और ये इतना अच्छा और इतना टेस्टी यमी लगता है ना, पाकी तो इनफैक्ट घर से खा के भी गई थी बिकॉज मुझे उसे देनी थी मेडिसिन। और मुझे ना ये क्रीमी ऐसी चीज़ी चीज़ों की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि जब भी आपको कोई गले में प्रॉब्लम हो या कोल्ड कफ हो ना, आप इन्हें खा लो, ये कोई इरिटेशन नहीं करती है, सीरियसली। और ये देखो ये मेरा बनके बिल्कुल रेडी था, मैंने कर दिया था पाकी का फटाफट से टिफ़िन पैक, उसे मेडिसिन भी दे दी थी। और हाँ, आज था पाकी का हिंदी का एग्ज़ाम, बट मुझे और पाकी को बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी बिकॉज रिवीजन के लिए ना उसके पास बस में बिल्कुल टाइम होता है। और ये रही मैडम जी, ये बहुत इरिटेट हो रही थी कि मम्मी वीडियो क्यों बना रहे हो। और लंच में मैंने बनाई थी अरहर की दाल, अरहर क्या है इसमें, अरहर, चने की दाल, मूंग धुली एंड मसर, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी थी। और साथ में थे राइस, बिकॉज हस्बैंड को तो खाना खाना ही था, मेरे भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज पाखी का जो इन्फेक्शन था मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक ना मेरे पास भी आ गया था। और साथ में ही मैंने बना दी थी हस्बैंड के लिए लस्सी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पर हम अच्छे नहीं हैं, मैं तो अच्छी हूँ, पाखी के पापा भी अच्छे हैं, पर पाखी को हो गया है फीवर। इसकी स्विमिंग क्लास थी, या तो मेरे ख्याल से स्विमिंग क्लास के बाद ये एसी वाले रूम में चली गई थी, क्योंकि पाखी के स्कूल में जितने भी क्लासरूम हैं वो सब एसी हैं, तो वहीं पे इसको कुछ गड़बड़ हुई है। और सुबह भी इसकी तबीयत ऐसी थी, बट एग्जाम था तो हमने इसको भेज दिया था। और कल है पाखी का कॉम्पिटिशन, मेडिसिन मैं ले आई हूँ, बट वो कहते हैं ना बेसन का हलवा अगर गरम गरम खिला दो तो काफ़ी हद तक कोल्ड में, कफ में बच्चे को क्या सबको आराम मिल जाता है, तो अभी मैं वही बनाने लगी हूँ। फिंगर क्रॉस करती हूँ, फिंगर क्या मेरी फिंगर भी देखो आप फूटी पार्टी ही है, तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि बाय चांस हो सके तो ये वाला जो फंडा है ना बेसन वाला ये काम कर जाए, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट हो गई थी बेसन का हलवा बनाने, बिकॉज़ मुझे ये चीज़ मैंने अपनी मम्मी से और अपनी मदर इन लॉ से भी काफ़ी बार सुनी है कि जब भी कभी कोल्ड हो, कफ हो, स्पेशली सर्दियों में तो ये चीज़ होती रहती है, तो उस टाइम ना गरम गरम बेसन का हलवा खाओ तो वो बहुत ज़्यादा आराम करता है, क्योंकि होता क्या है बेसन की जो तासीर है ना वो हल्की सी गर्म होती है, तो वही मैंने घी अच्छे से डाल लिया था बिकॉज़ वैसे ही इतनी बीमारी में ना वीकनेस हो रही होती है, तो घी डाल के अच्छे से मैंने बेसन को यहाँ पर मिक्स कर लिया था। मिक्स क्या, इसे अच्छे से मैंने भून लिया था तब तक जब तक कि इसमें ना एक अच्छी सी खुशबू ना आए और घी ना छोड़े बेसन, और एक होता है ना अच्छा सा कलर आ जाता है गोल्डन सा, तब तक।
और यहाँ पे मेरा बेसन जो है बिल्कुल भुन के हो गया था रेडी। अच्छा, मैंने जो हलवा बनाया था या मोस्टली जो मैं बनाती हूँ ना बेसन का, वो मैं बनाती हूँ दूध से। या तो आप प्रॉपर पूरा दूध ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं उसका 3/4 जो कप है या जो भी आप ग्लास यूज़ कर रहे हैं वो ले लीजिए दूध, और थोड़ा सा उसमें डाल लीजिए पानी। मैं तो प्रॉपर पूरा दूध वाला ही लेती हूँ। तो मैं ये बनाती हूँ ना, बहुत यमी लगता है, अच्छा भी होता है और हेल्दी तो ऑफकोर्स ये होता ही है। तो मैं तो इसी तरीके से बनाना पसंद करती हूँ। और बाद में मैंने इसमें ऐड कर दी थी शुगर, आप चाहो तो भूरा भी ऐड कर सकते हो, खांड भी ऐड कर सकते हो, ब्राउन शुगर, जो भी आपको पसंद हो। तो मैंने तो इसमें शुगर ऐड कर दी थी, तो वही मैंने फटाफट बना के रेडी कर दिया था ताकि पाकी इसे जल्दी से खा ले और थोड़ा बहुत तो एक्चुअली उसे रिलीफ मिले ही। और यहाँ पे हलवा बन के हो गया था रेडी, और मैंने फटाफट गरम गरम पाकी को ये हलवा सर्व कर दिया था, परोस दिया था, क्योंकि मैं चाह रही थी ये गरम गरम खाए ताकि उसके ना जो गले में पेन हो रहा है उसमें काफ़ी हद तक उसे रिलीफ मिल जाए। इवनिंग नहीं हो रही है, 4 बज रहे हैं, मतलब इवनिंग इसको फीवर में पता ही नहीं लग रहा है। इवनिंग हो रही है और मेरे को स्कूल गई थी, उससे मेरे को और ज्यादा जुकाम और बुखार हो गया, मैं रोई। और बस यही मुझे पाखी ने सुनाई अपनी दुख दर्द पीड़ा। और आप भी बिल्कुल अपना ध्यान रखिए, और हाँ, आपके यहाँ बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम है, प्लीज़ पहले से ही प्रिपरेशन करवा के रखिए, बिकॉज एंड टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो किसी तरह की ना कोई टेंशन नहीं हो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहे आप भी, बच्चे भी और सब। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर।